بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو इमरान सीरीज नावल जूलियाना टॉपेकन बाय मजाक अलीम एम ए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ये सूरत हाल नुमानी की समझ में ना आई थी कि आखिर इमरान और सफदर ने न्यूयॉर्क को क्यों जख्मी किया और क्यों वो इस मादाम जैकी को साथ लेकर इस तरह अस्पताल से फरार हो गए। लेकिन अब वो सिपाही यहाँ घूमने के और कुछ कर भी ना सकता था क्योंकि कोई और ठिकाना इसके इल्म में ही ना था। उसे उम्मीद थी कि जल्द ही इमरान लाजमन इससे रब्ता कायम करेंगे, इसलिए वो दोबारा रेलवे स्टेशन पर घूमने लगा। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद एक बार फिर इसी कलाई पर जरबे लगने लगी, तो इस बार इसने कोई अकेली जगह तलाश करने का तकल्लुफ ना किया और बाजू को ऊपर करके इसने घड़ी को कान से लगा लिया और साथ ही विंड बटन की जगह मौजूद एक बारीक सी तार को इसने अंगूठे से दबा दिया। हेलो नुमानी, मैं इमरान बोल रहा हूँ, ओवर। इमरान की आवाज इसके कानों में पड़ी। नुमानी, ओवर। नुमानी ने घड़ी को मुंह के करीब ले जाते हुए कहा। इसका अंदाज ऐसा था जैसे इसकी नजर बेहद कमजोर हो और वो वक्त देखने की गर्ज से घड़ी को ऊंचा उठा रहा हो, लेकिन इसने सिर्फ अपना नाम ही लिया था ताकि कोई ये ना पहचान सके कि वो बातें कर रहा है। नुमानी, जूलिया मिल गई है, तुम फौरन कार्डियल कॉलोनी की कोठी नंबर 15 में पहुंच जाओ, हम वहीं हैं, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया। और नुमानी ने सर हिलाते हुए हाथ नीचे किया और अंगूठे की मदद से विंड बटन वाली तार को दबाकर अपनी घड़ी से भी कॉल का रब्ता खत्म कर दिया। जूलिया के मिल जाने से उसे खासा इत्मीनान हो गया था, चुनाचे वो तेज तेज चलता हुआ रेलवे स्टेशन के बैरूनी गेट की तरफ बढ़ने लगा। चंद लम्हों बाद वो टैक्सी में बैठा कार्डेल कॉलोनी की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। वो चूंकि राडेल कॉलोनी के मुतालिक कुछ ज्यादा ना जानता था, इसलिए उपी निश्चित पर खामोश बैठा हुआ था और सड़क पर से गुजरने वाली ट्रैफिक और वहां मौजूद बुलंदों बारह इमारतों को देखने में मसरूफ था। टैक्सी एक चौक पर ट्रैफिक लाइट की वजह से रुक गई और इसके साथ ही एक और कार भी रुकी। इस कार में तीन अफराद थे और वो तीनों ही नुमानी को गौर से देख रहे थे, लेकिन जाहिर है नुमानी तो यहाँ अजनबी था, इसलिए इसने सोचा कि शायद उसे गैर मुल्की समझ कर ये लोग गौर से देख रहे हैं। ट्रैफिक लाइट खुलते ही टैक्सी आगे बढ़ी तो वो कार इसके पीछे थी, लेकिन जैसे ही इसकी टैक्सी एक कदर सुनसान सड़क पर पहुंची अचानक पीछे आने वाली कार की रफ्तार यकलख तेज हो गई और फिर पलक झपकने में इस कार ने टैक्सी को साइड से इस तरह दबाया कि टैक्सी ड्राइवर को मजबूरन टैक्सी रोकनी पड़ी। खबरदार, अचानक कार में से दो आदमियों ने निकलकर रिवॉल्वर का रुख ड्राइवर और नुमानी की तरफ किया और फिर दरवाजा खोलकर इन्होंने नुमानी को नीचे उतरने के लिए कहा। नुमानी इस वक्त खाली जेब था, एक लम्हे के लिए इसने इनसे टकरा जाने का फैसला किया, लेकिन दूसरे लम्हे इसने फैसला बदल दिया। वो समझ गया था कि इन लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, चुनांचे इनके कहने पर नुमानी अपनी सीट पर बैठ गया। तुम्हें गलतफहमी हुई है मिस्टर, मैं तो यहाँ अजनबी हूँ, नुमानी ने साइड पर बैठे हुए रिवॉल्वर बरदार से मुखातिब होकर कहा। खामोश बैठे रहो वरना, इस आदमी ने इंतहाई करख लहजे में कहा और नुमानी होंठ चबाकर खामोश हो गया। इस दौरान दूसरा आदमी भी दूसरी साइड पर आकर बैठ गया और कार इंतहाई तेज रफ्तारी से आगे बढ़ गई। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद कार एक खस्ता और पुरानी सी इमारत के गेट में रुक गई और फिर नुमानी को कार में से उतार कर एक कमरे में ले जाया गया। कमरा खाली पड़ा था, नुमानी की बाकायदा तलाशी ली गई, लेकिन जाहिर है इसके पास कोई असलहा ना था। दीवार के साथ पुश लगाकर खड़े हो जाओ, एक रिवॉल्वर बरदार ने कहा और नुमानी खामोशी से दीवार के साथ पुश लगाकर खड़ा हो गया। तीनों रिवॉल्वर बरदार इसके सामने बिखर कर बड़े चौकन्ने अंदाज में खड़े हो गए। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और तीन अक्रमी अंदर दाखिल हुए। बॉस, ये पाकिस्तानी कार्डेल कॉलोनी जा रहा था, हमें एक चौक पर ट्रैफिक लाइट की वजह से रुकने पर नजर आ गया, एक रिवॉल्वर बरदार ने आगे से आने वाले से कहा। कार्डेल कॉलोनी, ओह मैं समझ गया, ये लाजमन थॉमसन के अड्डे पर जा रहा होगा, आने वाले में से एक ने चौंक कर कहा। क्यों, तुमने ये अंदाजा कैसे लगाया गौरव, सबसे आगे आने वाले ने चौंक कर तीसरे से पूछा। बॉस, मुझे रिपोर्ट मिली है कि थॉमसन ग्रुप के आदमी इस कार को तलाश करते फिर रहे हैं जिससे इस टैक्सी पर गोलियां चलाई गई थी, और कार्डेल कॉलोनी का नाम सामने आते ही मैं समझ गया हूँ कि ये थॉमसन के अड्डे की बात होगी, क्योंकि कार्डेल कॉलोनी में ही थॉमसन का एक खुफिया अड्डा मौजूद है और थॉमसन लॉर्ड बर्मिन का खास आदमी है, कोरो ने जवाब दिया। क्यों मिस्टर, क्या तुम थॉमसन के अड्डे पर जा रहे थे?
मैं तो किसी थॉमसन या इस अड्डे को नहीं जानता। मैं तो अपने एक दोस्त राफेल से मिलने जा रहा था, लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों पकड़ लाए हो और कौन हो तुम? नमानी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, गोरो तुम अपने आदमी भेजकर फौरन इस थॉमसन के अड्डे पर छापा मारो और जो भी वहाँ मौजूद हो उसे उठाकर यहाँ ले आओ। बॉस ने कोरो से कहा और कोरो सर हिलाता हुआ तेजी से मुड़ा और बाहर की तरफ चला गया। सुनो मिस्टर, कोई गलत हरकत करने की कोशिश ना करना, वरना अपनी मौत के तुम खुद जिम्मेदार होगे। अगर तुम वाकई गैर मुतालिक साबित हुए तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, बॉस ने एक बार फिर नुमानी से मुखातिब होकर कहा। किस किस्म का ताल्लुक, मैं समझा नहीं, नुमानी ने होंठ काटते हुए कहा। अभी तुम्हारे सवाल करने का वक्त नहीं आया, सुनो एक कुर्सी ले आओ और इसे इस कुर्सी से बांध दो ताकि ये ख्वामखा कोई गलत हरकत करके अपनी जान ना जाया करा बैठे। बॉस ने एक रिवॉल्वर बरदार से कहा और रिवॉल्वर बरदार सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। इसी लम्हे दो मशीन गन बरदार अंदर दाखिल हुए। नुमानी हैरान था कि आखिर ये लोग इसे क्यों पकड़ लाए हैं और किस थॉमसन की बात कर रहे हैं। वैसे लॉर्ड बोमेन का नाम सामने आया था, लेकिन जाहिर है वो जाती तौर पर किसी थॉमसन को ना जानता था, इसलिए इसने सोचा कि जब तक सूरत हाल वाजे ना हो जाए उसे इनसे टकराने की फौरी कोई जरूरत नहीं है। चुनांचे वो इत्मीनान से लाई हुई कुर्सी पर बैठ गया और फिर उसे एक रस्सी से कुर्सी से बांध दिया गया और नुमानी ने कोई जद्दोजहद ना की और जद्दोजहद करता भी क्या। कमरे में दो रिवॉल्वर बरदार और दो मशीन गन बरदार मौजूद थे और जाहिर है इस बॉस और इसके साथी की जेबों में भी रिवॉल्वर तो लाजमन मौजूद ही होंगे। नुमानी को बांधने के बाद बॉस अपने साथी के साथ बाहर चला गया, जबकि कमरे में सिर्फ रिवॉल्वर बरदार और मशीन गन बरदार ही रह गए। और फिर तकरीबन पौन घंटे के बाद अचानक उसे कमरे के बाहर से कदमों और तेज तेज लहजे में बात करने की आवाजें सुनाई दी, लेकिन कमरे में कोई दाखिल ना हुआ और आवाजें कहीं दूर चली गई। चंद लम्हे बाद दरवाजे से वही कोरो अंदर दाखिल हुआ। इसका चेहरा मुसर्रत से गुलनार हो रहा था, जैसे इसने कोई बड़ा मार्का मार लिया हो। इसे भी बड़े कमरे में ले आओ, कोरो ने अपने साथियों के साथ कहा और फिर तेजी से वापस चला गया। नुमानी को रस्सियों से खोलकर खड़ा किया गया और फिर नुमानी रिवॉल्वर बरदार और मशीन गन बरदारों के जुलूस में चलता हुआ इस कमरे से निकलकर एक राहदारी से गुजरकर एक दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा बंद था, लेकिन इसके पहुंचते ही दरवाजा अंदर से खुल गया और नुमानी को अंदर ले जाया गया। अंदर पहुंचते ही नुमानी बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि कमरे में मौजूद 10-12 लोहे की कुर्सियों में से चार कुर्थी और इनमें से एक पर सफदर, दूसरी पे मदाम जूलिया, तीसरी पे एक मकामी लड़की और चौथी कुर्सी पर एक मकामी आदमी बेहोशी के आलम में लोहे की रॉड से जकड़े हुए बैठे थे। कमरे के अंदर 6 मशीन गन बरदार दीवारों के साथ लगे खड़े थे। नुमानी को सफदर के साथ वाली कुर्सी पर बिठाकर कुर्सी में मौजूद मैकेनिज्म के जरिए इसे रॉड्स में जकड़ दिया गया। नुमानी बुरी तरह होंठ काट रहा था, क्योंकि सफदर और जुलिया की मौजूदगी का मतलब था कि ये लोग इसी कोठी में थे जिसे कोरो किसी थॉमसन का खुफिया अड्डा बता रहा था। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और वही बॉस अपने साथी और इस कोरो के साथ अंदर दाखिल हुआ। इनका मेकअप साफ करो ताकि पूरी तरह पहचान हो सके इनमें मदाम जैकी कौन है, बॉस ने कोरो से मुखातिब होकर कहा और कोरो सर हिलाता हुआ बाहर की तरफ चल पड़ा। चंद लम्हों बाद जब कोरो वापस आया तो इसने हाथ में एक छोटी सी मशीन उठाई हुई थी, जिसके साथ मुंसलिक मोटी लच्छेदार तार के साथ एक बड़ा सा बगल नुमा आला फिट था। वो तेजी से इस मकामी लड़की की तरफ बढ़ा। इसने बगल नुमा आले का खुला हिस्सा इस मकामी लड़की के चेहरे पर फिट करके मशीन का बटन ऑन कर दिया। मशीन से हल्की हल्की सीटी की आवाज निकलने लगी और इसके साथ ही बगल नुमा आले के साइडों से गहरे ब्राउन रंग का थोड़ा थोड़ा धुआं बाहर निकलने लगा। चंद लम्हों बाद कोरो ने मशीन ऑफ करके बगल नुमा आला हटाया तो इस मकामी लड़की का चेहरा गहरा ब्राउन हो रहा था। नुमानी को यूं महसूस हुआ जैसे इस मकामी लड़की के चेहरे पर ब्राउन रंग थोप दिया गया हो, लेकिन फिर ये रंग तेजी से गायब होता गया और जब इस लड़की का चेहरा साफ दिखाई देने लगा तो नुमानी बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि वो जूलिया का चेहरा था। अब साथ साथ कुर्सी पर वो दो जूलिया मौजूद थी। ओह, ये दोनों एक ही चेहरे की हो गई, लाजमन ये दूसरी मदाम जैकी होगी, इसका मेकअप साफ करो, बॉस ने चीखते हुए कहा और कोरो दूसरी लड़की की तरफ बढ़ गया। इसने वही पहले वाली कार्रवाई इसके साथ दोहराई और फिर जब बगल नुमा आला हटने के बाद रंग साफ हुआ तो जूलिया की बजाय वहाँ एक मकामी लड़की बैठी हुई थी। वो मारा, ये है मदाम जैकी, पहले भी इसने हमें चक्कर दिया था, बॉस ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। इसकी आंखें मुसरत से जगमगा रही थी, लेकिन बॉस जिस लड़की के मेकअप में मादाम जैकी थी वो लड़की तो इसके साथ बैठी हुई है, फिर वो टैक्सी में मरने वाली लड़की कौन थी? हाँ वाकई, ये लाजमन इन पाकिस्तानियों की शरारत होगी, ये लोग बेहद तेज हैं। लेकिन अब हमारा मिशन पूरी तरह मुकम्मल हो गया है, दिखाओ मशीन गन, मैं अपने हाथों से इस मादाम जैकी का तो खात्मा कर दूं, बॉस ने सर हिलाते हुए कहा।
और एक मशीन गन बरदार ने जल्दी से आगे बढ़कर मशीन गन बॉस के हाथों में दे दी। मैंने आज तक अहमकों का नाम सुना था, लेकिन आज पता चला है कि अहमक कैसे होते हैं। अचानक नुमानी ने हंसते हुए बड़े तंजिया लहजे में कहा और बॉस समेत कमरे में मौजूद हर फर्द चौंक कर नुमानी की तरफ मुतवज्जे हो गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या पागल हो गए हो? मैं पागल नहीं हो गया, मुझे तुम पागल नजर आ रहे हो जो सिर्फ मेकअप पर इनसार करके इस लड़की का खात्मा करना चाहते हो। तुम इसे खत्म करके मुतमईन हो जाओगे, लेकिन अगर बाद में तुम्हें पता चला कि ये लड़की मादाम जैकी नहीं तो फिर? नुमानी ने मुंह बनाते हुए कहा, ओह तुम क्या कहना चाहते हो? इसका मतलब है कि तुम्हारा भी इस ग्रुप से ताल्लुक है? हाँ, मेरा इस ग्रुप से ताल्लुक है और तुमने अभी खुद ही तो पाकिस्तानियों की तेजी से तारीफ की है और अब खुद ही अहमकाना इकदाम करके अपनी बात की तौसीक कर रहे हो। नुमानी ने कहा, कुछ बको भी तो सही, तुम कहना क्या चाहते हो? वरना मैं पहले तुम्हारी ही लाश गिराऊंगा। बॉस ने फुनकारते हुए लहजे में कहा, तुम पहले यकीन तो कर लो कि ये लड़की वाकई मदाम जैकी है। नुमानी ने कहा, ओह ठीक है गोरो, वाकई हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, ये शख्स ठीक कह रहा है, तुम इन सबको होश में ले आओ। बॉस ने हंकारा भरते हुए कहा और गोरों ने सर हिलाते हुए एक तरफ मशीन रखी और एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। इसने अलमारी में से एक डब्बा निकाला और इसमें मौजूद एक सिरिंज निकालकर इसके ऊपर मौजूद कागज फाड़ कर फेंक दिया। सिरिंज के अंदर हल्के नीले रंग का माया भरा हुआ था और फिर इस सिरिंज से इसने थोड़ा थोड़ा माया चारों बेहोश अपराध के दिशा में इंजेक्ट कर दिया। सिरिंज वापस डब्बे में रखकर इसने डब्बा अलमारी में जाकर बंद कर दिया। नुमानी होंठ पीछे खामोश बैठा हुआ था, इसने फौरी तौर पर बॉस का जहन बदल कर कुछ वक्त तो हासिल कर लिया था, लेकिन सूरत हाल अभी तक संगीन थी। कैमरा मशीन गन बरदारों से भरा हुआ था, जाहिर है इन हालात में टकराव का नतीजा सिर्फ यकीनी मौत ही निकल सकता था। चंद लम्हों बाद ही सफदर समेत सारे बेहोश अफराद कराहते हुए होश में आ गए। वो सब हैरत से आगे फाड़े इधर उधर देख रहे थे। मादाम जैकी, तुमने हमारे हाथ से बचने की कितनी कोशिशें की, लेकिन अब देखो तुम हकीर चुड़िया की तरह हमारे पंजे में फंसी हुई हो। बॉस ने बड़े फातेहाना अंदाज में मादाम जैकी से मुखातिब होकर कहा, मादाम जैकी कौन हो तुम और क्या कह रहे हो? मादाम जैकी के लहजे में हकीकी हैरत थी और बॉस बुरी तरह चौंक पड़ा। तुम शायद ये समझ रही हो कि अभी तुम्हारे चेहरे पर इस लड़की जूलिया का मेकअप है। नहीं, हमने तुम्हारा मेकअप साफ कर दिया है और अब तुम अपनी असल शक्ल में हो। अगर यकीन ना आए तो अपनी साथी लड़की को देख लो, इसने भी मकामी लड़की का मेकअप किया हुआ था। इसका मेकअप भी साफ कर दिया गया है और अब ये भी अपनी असल शक्ल में है। बॉस ने तेज लहजे में जूलिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें बड़ी गलतफहमी हो गई है मिस्टर, मैं मदाम जैकी नहीं हूँ, मेरा नाम इस्मारा है और मैं जनरल अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में नर्स हूँ। तुम्हें गलत फहमी हुई है, मादाम जैकी ने ठोस लहजे में कहा। बॉस ये हमें चक्कर दे रही है, ठीक है ये जो कुछ भी हो इसका खात्मा कर दो, बाद में चेक करते रहेंगे कि ये कौन है, मादाम जैकी है या नर्स है। बॉस के साथ खड़े हुए नौजवान ने पहली बार बात करते हुए कहा, मुझसे बात करो, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? अचानक जूलिया ने बड़ी संजीदा लहजे में कहा, तुम्हारी मौत भी यकीनी है लड़की, तुमने इस मादाम जैकी के साथ मिलकर हमें बहुत चक्कर दिए हैं। इमरान ने बॉस ने इंतहाई खुशीले लहजे में कहा, तुम हो कौन, कम से कम हमें पता तो चले। जूलिया ने बड़े तंजिया लहजे में कहा, तुम्हारी मौत, ठीक है बाद में फैसला होता रहेगा, ये लोग ख्वामखा हमें उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। बॉस ने एक लख खुशीले लहजे में कहा और मशीन गन की नाल मादाम जैकी की तरफ उठा दी। इसके चेहरे पर एकदम सफाकी उभर आई थी। तुम गलती कर रहे हो, एक बार फिर सोच लो, फिर तुम्हें पछताने का भी वक्त नहीं मिलेगा। अचानक नुमानी ने कहा, शट अप। बॉस ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा और इसकी उंगली ट्रैगर पर सख्त हो गई और दूसरे लम्हे कमरा मशीन गन की रेड रेड और इंसानी चीखों से गूंज उठा।